बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, द लेजेंड ऑफ मौला जट मूवी की आप कुछ क्लिप्स देखें। सी पता कि मैं पुत्र नहीं पूरे पिंड की मौत लेके आईया। पक्क नत्ता की रवायत के मुताबिक किसी जवान ते अथरे नत्ते दे सर ते रख दी जाए। अब यहाँ पे देखें आप कि वो एक हाइपर मैस्कुलिन पर्सनैलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, और मैस्कुलिनिटी और मर्दानगी जिसको आम उर्फ़े आम में कहा जाता है। और ये मूवी उन्होंने इतना पैसा स्पेंड किया, 200 करोड़ से ज़्यादा इसने बिजनेस किया है, इसकी इतनी मार्केटिंग की है, इसकी इतनी पब्लिसिटी की है। मौला जट का ये रेप्लिका उन्होंने बनाया है, और आज 79 के बाद ऑलमोस्ट उन्होंने दोबारा इसको एक द लेजेंड ऑफ मौला जट के नाम से इसको लॉन्च किया है। तो इसकी मैस्कुलिनिटी को इतना ये प्रमोट कर रहे हैं कि जैसे कोई मर्द या उसकी मर्दानगी जो है, अब आप देखें। मौला मरण को चले गो कोई ऐसे मैदान दा फैसला तो मौला ही कर सकदा। अब आप देखें उसकी मैस्कुलिनिटी, उसकी मर्दानगी को उसकी ताकत के अंदर सिर्फ उन्होंने दिखा रहे हैं। सरदारी दी पग सिर्फ ओदे सिर दे आ सकदी है जिदे ना दी दहशत तो हर दुश्मन दी औरत बांझ हो जावे। ते ओ इस पंजाबी चेक किए। अब ये कह रही है मोहतरमा के जी के वो सिर्फ एक ही है, और उसकी ऐसी मर्दानगी हो कि वहाँ की जो औरतें हैं वो बांझ औरतें बांझ हो जाएं। और यानी अजीब मैस्कुलिनिटी है, मैस्कुलिनिटी ना हुई या उसकी मर्दानगी ना हुई कोई, जैसे कोई एक्स रेज हो गई या कोई लेज़र की कोई रेज हो गई, जिससे कोई चीज़ जिसको ना आप नल एंड वाइड कर देते हैं या किसी चीज़ को आप तल्फ कर देते हैं। तो मूवी तो बहुत अच्छी है, बड़ा पैसा इस पे लगाया है। अगर इतना पैसा अगर एकेडेमिया पे आप लोग लगाते, किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे लगाते, एनवायरनमेंट पे लगाते आप लोग, तो शायद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दरख्त लग सकते थे। और अगर इसके रेवेन्यू से भी लगाते हैं दरख्त, तो आई थिंक एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। अल्लाह हाफिज़।